थोड़ा जल्दी कामयाब बना दे ऐ मालिक, वरना सरकारी नौकरी वाला उठा ले जाएगा इसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त से। तो आइए चलते हैं, मैं अकेले हूं इसलिए रास्ते में का वीडियो नहीं बना सकूंगा। तो बस आइए चलते हैं। हाय विनीता। दोस्तों देखिए, ये है विनीता और ये विनीता की छोटी बहन। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बलिया ब्यासी पुल पर। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए। देख सकते हैं मैं भी पूरा सेफ्टी के साथ आया हूँ। तो चलो चलते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए, हमको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पूरे बलिया का सबसे फेमस जगह ब्यासी पुल पर, और हम लोग पूरा एंजॉय करते हुए आए हैं ये देखिए, अभी हम लोग पुल पर हैं। और लोकेशन की बात करें तो दोस्तों बहुत ही प्यारा है। और ये है विनीता, सबसे पहले तो मेरी फ्रेंड है, नहीं सबसे पहले तो ये सिंगर है। सबसे पहले सिंगर हो कि मेरी फ्रेंड हो? सिंगर, क्योंकि वो आया था तभी तो आ पाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बतला दूं, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, सबसे पहले ये एक सिंगर है, उसके बाद ये मेरी फ्रेंड है। हाँ। और इसकी छोटी बहन भी आई हुई है, क्या नाम है आपका? रोली की ढोली बोल रही। रोली। अच्छा रोली है ये रोली। तो यहाँ आने के बाद बीच में आ जाओ, जोर से बोलो, हवा आ रहा है, लग जाओ ना। यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत 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 अच्छा, और बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बार कभी देखी भी नहीं इतना प्यारा लोकेशन। थैंक यू सो मच। रुको बाय कैमरा से लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, और बतलाओ कैसा यहाँ के फील आ रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है। मेरी तारीफ करना चाहती हो कि यहाँ के ये जो पुल बना हुआ है, यहाँ का लोकेशन का? आपका तारीफ करना चाहती हूँ। जोर से बोलो, हमारा हवा इतना तेज चल रहा है कैमरा। आपका तारीफ करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे हो और बहुत कॉमेडियन भी हो, और कुछ लोग गलत बोलते हैं। आप लोग गलत नहीं बोलिए, क्योंकि गलत नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को मैं और दिखलाना चाहूँगा। हेलो, क्या नाम है आपका एक बार और बतलाइए? रोली पांडे। रोली पांडे। हाँ। तो आपको यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। नीक लग रहा है कि नहीं? हाँ, सुनो सुनो, यहाँ आओ ना, कहाँ भाग रही हो? या आने से पहले हमारा वीडियो देखी थी? हाँ। अच्छा, विनीता के साथ? हाँ। अकेले में हमारा सिंगल? हाँ, वो भी आपका वीडियो हर कोई देखता है। और दोस्तों आप लोगों को बतला दूं कि देश की सबसे नदी कही जाने वाली, जिन्हें हम गंगा मैया के नाम से जानते हैं, ये वही गंगा मैया का नदी है जहाँ हम ब्लॉग बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और काफी आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, सब इधर खेत है उधर। वो से गाड़ी खड़ा कर
और ये भैया लोग हमको पहचान गए, ये भी हमको कहीं ना कहीं देखे ही होंगे सोशल मीडिया पर। हाँ भैया, आपके लिए गाड़ी वहां से खड़ा करके। और धन्यवाद भैया। और अचानक से ये लोग आए हैं इनके पास और बहुत ज्यादा देर से वेट भी कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताए थे क्योंकि ये कुछ नहीं। हम ब्लॉग में व्यस्त थे तो भैया लोग आए, हमारा नाम बोले तो श्रवण कैसे आप? ओह माय गॉड। अभी मैं हाँ साइड हो जाइए, साइड साइड। अभी फोटो सेल्फी भी ले रहा है। हाँ तो दोस्तों, वह भैया लोग देख सकते हैं काफी दूर वहाँ गाड़ी खड़ा करके आए थे, रास्ते में देखे हमको तो पहचान गए, उसके बाद वो लोग आए फोटो खिंचवाए, चाय पानी के लिए अभी पूछ रहे थे, लेकिन ये नहीं पिए, मुझे पीना था। चाय पानी पीने के लिए काफी दूर जाना पड़ता इसलिए हम मना कर दिए, चाहे हम लोग चाय पानी नहीं पिए। और अभी आप लोगों को दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे इधर से तो और सीन दिखलाएंगे, तब तक विनीता का मैं ब्लॉग बना दे रहा हूँ, ये भी ब्लॉग बनाएगी तो बहुत सारा आप लोग हमारे। क्या है ना, ये इतना स्पीड गाड़ी चला रहे थे कि मेरा बाल जो है ना देखिए लग रहा है ना खौड़ा गया। चिड़िया को खतौना लग रहा है, इतना हवा भी चल रहा है बहुत प्यारा, और अभी ठंडा के दिन में ठंडा हवा। ये तो जैकेट भी खोल दिए पगली। तो आप लोग बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और भी अच्छे अच्छे मतलब कि जुड़े रहिए, दिखलाते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हल्का सा गली बना हुआ है, पता नहीं क्यों बना हुआ है इधर, ऊपर पिलर देख रहे हैं आप लोगों को, आप लोग वही लगाने के लिए बना हुआ है और जाना माना है, फिर भी हम तनका देर के लिए हम लोग जाएंगे वीडियो शूट करने के लिए, फिर वापस आ जाएंगे, कोई हम लोगों को देखकर कॉपी नहीं करना क्योंकि ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो भी सकती है और नहीं भी। तो आइए चलते हैं उस पार, आगे आगे दिखाइए। अभी हम इस पतली गली में आ गए हैं और ऑलरेडी विनीता आई हुई थी, अभी विनीता डांस कर रही है देख सकते हैं। मैं डांस नहीं कर रही। अभी ये अच्छा तो उधर बाइक है, कोई चोरी ना कर ले। नहीं बाइक चोरी, दोस्तों यहाँ हम लोग बाइक लगाए हुए हैं, हमारा बाइक नंबर देख सकते हैं आप लोग, और हम लोग आ गए हैं इतने खतरनाक लोकेशन में और थोड़ा उधर रौदा में जाएंगे मतलब धूप में जाएंगे विनीता को लेकर। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद तनका और आगे जाएंगे तो ये लंबा लंबा मोटा मोटा पंप हम लोगों को छूना नहीं है, ये करंट मारता है दोस्तों, आप लोगों को बतला दें ये जो लंबा लंबा बना है देख सकते हैं, ये झूठ बोल रहा है, नहीं मारता है, नहीं मारता है, नहीं मतलब छुप के नहीं है। ये करंट नहीं मारता है दोस्तों, मैं किसी का ब्लॉग में देखा था बतलाया था कि करंट मारता है इसलिए बोल दिया। आइए तो दोस्तों अभी बहुत तेज हवा चल रहा है और मौसम भी एकदम सुहाना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारी दोस्त विनीता सिंगर है तो एक गाना तो बनता है, तो मैं चाहूँगा आप लोगों की चहेती हम सबकी फेवरेट भोजपुरी की जान भोजपुरी की पहचान आदरणीय श्री श्री 108 श्री माननीय श्री विनीता पांडे जी हम लोगों को और आप लोगों को एक गाना सुनाएं, सुनाओ। आप लोगों को पता है कि हमारे राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तेज गाना जो भी गाना राम जी, यार हवा चल रहा है मैं कितना भी तेज बोलूंगी तो स्लो ही आएगा ना, तो हमारे राम जी 22 जनवरी को अयोध्या में फिर से आने वाले हैं, तो उनके आने मतलब मैं खुद जाना चाहती हूँ लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन जिंदगी रही ना तो मैं जरूर जाऊंगी अयोध्या, तो एक राम जी बैठ की राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। तो आप सभी से मतलब मेरा निवेदन है कि जितने लोग जाने वाले हैं अयोध्या तो कृपया वहाँ पे अपना ख्याल रखें और अच्छे से घूमें।
मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ और मुझे कुछ काम भी है, लेकिन आप लोग जाइएगा तो अच्छे से, आप प्रोटेक्शन के साथ है ना। और अपना ख्याल रखिए, ख्याल रखिए और हमारे साथ ब्लॉग में जुड़े रहिए। जो गाना गाई उसके आगे का मैं एक लाइन गाना का, मैं अच्छा गा नहीं पाता हूँ लेकिन इसको देख देख कर मुझे भी गाने का मन करता है। तो कहाँ तक तो गाना गाई थी, हाँ मेरे कर्मों के पारे जाएंगे राम आएंगे, मेरे कर्मों के पारे धुल जाएंगे राम आएंगे, सजा दो घर को मंदिर सा मेरे सिया राम आएंगे। दोस्तों ये आप लोग बतला दें कि विनीता बहुत अच्छी गाना गाती है और मैं इसको फुल सपोर्ट करता हूँ, आप लोग भी फुल सपोर्ट कीजिए ताकि ये जो इसके गाने का अंदर की कला है वो लोगों के पास पहुँच सके। और जितने हाँ बोलो बोलो बोलो, और जितने लोग मतलब गलत सोचते हैं, देखिए श्रवण जी मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ये ब्लॉग पानी के क्या वीडियो, सॉरी यार कहीं में तो बोल दो, इधर इधर आ जाओ पानी साइड में, आप लोग वीडियोस या फोटोज देख के कुछ भी गलत कमेंट करो, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मेरे और एक फ्रेंडशिप भी होती है। तो दोस्तों देखिए किसी को भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग गलत कमेंट करते हो हम उस बात को रिप्लाई नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं तो फिर से आपके पास ही चला जाता है। हाँ मान लीजिए आप हमको एगो छेना दिए, छेना हम नहीं लिए तो फिर आप ही ना लेंगे। तो किसी को गलत बात शब्द नहीं बोलना चाहिए और मुझे देख कर और मेरी फ्रेंड को देख कर इंजॉय करना चाहिए। हम लोग भी खूब आज इंजॉय किए हैं और खूब मजा भी आया। तो मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग लंबे लंबे नहीं देखते हैं, ब्लॉग को यहीं गंगा मैया के अभी बंद ब्लॉग कैसे होगा, अभी तो शूट वगैरह करेंगे अभी अभी हाँ, आगे तक बने अभी अभी काफ़ी हम लोग रील वगैरह वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो ये हमारे जो दर्शक हैं वो लंबे लंबे वीडियो हमारा नहीं देखते हैं, कोई ना शॉर्ट भी कर दिया जाएगा तो थोड़ा थोड़ा दिखाया जाएगा, तनका तनका आप लोगों को वीडियो में दिखलाएंगे। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए। बंद कर दे, बंद कर दे। दोस्तों हम लोग अब वहीं से रील बना रहे थे और अब हम लोग घर जाने का समय हो गया है, तो बस मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।